टाइगर जिंदा है मूवी में शायद ही आपने नोटिस किया होगा। इस सीन में जब टाइगर और उसका सन इस बर्फीली जगह पे जाते हैं तब कुछ वुल्फ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस सीन के स्टार्टिंग में आप एनिमल के वार्निंग को नोटिस कर सकते हो, बी अवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन ये बोर्ड क्रश हो चुका था जिसकी वजह से टाइगर और उसके बेटे को ये बोर्ड दिखाई नहीं दिया था। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं, जैसे कि इस सीन में टाइगर आजान को कहता है कि अगर कोई गार्ड आता हुआ दिखे तो मुझे कॉल करना। तब आजान ने कॉल किया था लेकिन टाइगर ने नहीं सुना था। दरअसल इस सीन में आप इस बोर्ड पे नोटिस कर सकते हो हाईली नॉइज एरिया, यानी कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारा नॉइज होता है, नॉइज यानी कि हल्ला गुल्ला। तो यहाँ पर आसपास बहुत सारा हल्ला गुल्ला था जिसकी वजह से टाइगर को मोबाइल का रिंग सुनाई नहीं दिया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं, जैसे कि इस सीन में जब आजान स्नाइपिंग कर रहा था इन कार के ऊपर तब आप इन कार के नंबर प्लेट में आरजे को नोटिस कर सकते हो, और आरजे तो आपको पता ही है राजस्थान, यानी कि इस सीन में आजान राजस्थान में कोई मिशन कर रहा होता है। और शायद ही आपने नोटिस किया होगा इस सीन में कंप्यूटर के स्क्रीन में, और आपने टाइगर टाइगर नाम तो काफी बार सुना है। वेल, ये तो उसके रॉ एजेंसी का कोड नेम है, लेकिन टाइगर का ओरिजिनल नेम क्या है अगर जानना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखो। एंड इस सीन में आपने शायद ही नोटिस किया होगा कि टाइगर के ड्रेस में गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सलमान भाई के ऊपर वीडियो बनाऊं, सलमान खान भी नहीं, लोग सलमान भाई बोल के लिखते हैं, अब पता नहीं ऐसा क्यों। एनीवेज, पठान को देखने के बाद मैंने टाइगर जिंदा है मूवी को फ्रेम बाय फ्रेम देखा और मुझे बहुत सारे हिडन डिटेल्स मिले जिसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं जल्दी पठान का भी डिटेल वीडियो आने वाला है 2 या 3 दिन के बाद, ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा। आई नो मैं वीडियो काफी लेट अपलोड करता हूं जिसकी वजह से मुझे कमेंट सेक्शन में गाली भी पड़ती है, बट डोंट वरी, मैं जल्दी पठान का डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा, जस्ट गिव मी 2-3 डेज। और पठान मूवी मेरे को काफी सही लगा जिससे इंस्पायर होकर मैंने अपना खुद का एक पोस्टर बनाया है, आप इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, बहुत हो गया बकबक। सो हे गाइस, माय नेम इज दबा एंड वेलकम टू माय चैनल दबा एचबीटी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में यहाँ पर लिखा हुआ होता है समवेयर इन नॉर्थ ईस्ट सीरिया, एग्जैक्टली जगह का नाम मेंशन नहीं है, अगर मेंशन किया जाता तो वो जगह बदनाम हो जाती, मतलब रियल लाइफ में भी लोग सोचते कि इस जगह पे शायद टेररिस्ट आ जाएंगे क्योंकि मूवी में ऐसा था। तो ऐसा ना हो और लोग ऐसा ना सोचे इसलिए उस जगह का नाम मेंशन नहीं है। एंड इस सीन में भी आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ होता है समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, एग्जैक्ट जगह का नाम मेंशन नहीं है क्योंकि मूवी में यहाँ पर वुल्फ आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो रियल लाइफ में लोग सोचेंगे कि वहाँ पर मूवी की तरह वुल्फ आ जाएंगे और वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो ऐसा ना हो इसलिए एग्जैक्ट जगह का नाम मेंशन नहीं होता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 2। इन दिस सीन लैपटॉप के स्क्रीन में लिखा हुआ है काम बिफोर स्टॉर्म, एंड गाइस सच में ये एक स्टॉर्म की पहले की शांति थी। जिंदा है। तो देखो, टाइगर, पठान और वॉर, इन तीनों मूवी को एक ही यूनिवर्स में रखने का प्लान है यशराज वालों का, लेकिन थोड़ी माँ बहन हो चुकी है। ये जो लड़की था जो यहाँ पर इस नर्स का रोल प्ले करती है, वेल, इन्होंने ही वॉर की आदिति का कैरेक्टर प्ले किया था, और ये दोनों कैरेक्टर ही डिफरेंट है क्योंकि गाइस देखो, वॉर मूवी को बनाने के बाद इनको ख्याल आया कि पठान, टाइगर और वॉर एक ही यूनिवर्स में रखा जाए, अदरवाइज दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ यूनिवर्स। डिटेल नंबर 3, जो कि मेरा फेवरेट है। इस सीन में इराक के आर्मी ने ISC के ऊपर फायर किया था और ये जो हेलीकॉप्टर था ये इराक के मिलिट्री का था, तो इसलिए आप इस हेलीकॉप्टर पे इराक के फ्लैग को नोटिस कर सकते हो जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर ये जो न्यूज चल रहा था जहाँ पर बताया जा रहा था कि ISC ने हॉस्पिटल के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो इस सीन में ये जो न्यूज चल रहा था तब आप नोटिस कर सकते हो प्रेसिडेंट ओबामा, क्योंकि ये स्टोरी 2017 की है और 2017 में अमेरिका का प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि ओबामा था, तो इसके लिए मेरी जान एक लाइक कर देना। डिटेल नंबर 5। तो आपने ये नाम तो काफी बार सुना है ISC, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आप उसके फुल फॉर्म को नोटिस कर सकते हो जो है इराकी सीरियन कैलिफेट। तो इस सीन में हम गॉड ऑफ वॉर और उसके बेटे को 144p में देखते हैं, मजा कर रहा हूँ यार। तो इस सीन में हम सलमान खान और उसके सन को देखते हैं। तो इस सीन में जब हमारे सलमान भाई इस वोल्फ को उठा के फेंकते हैं तब आप नोटिस करना कि वो वोल्फ अपने बाकी दोस्तों को भी बुला रहा था, इससे पहले इसको होश है, रवाना हो जाते हैं यहाँ से, जिसके वजह से यहाँ पर काफी सारे वोल्फ आ जाते हैं। डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में आपने शायद ही नोटिस किया होगा यहाँ पर कैट जोया आलू और गोभी को उठाती है जस्ट टू मेक इंडियन फूड, यू नो, क्योंकि टाइगर को मीट नहीं इंडियन फूड पसंद है। डिटेल नंबर 9। तो इस सीन में ये औरत थोड़ा सा हिंदी बोलती है, अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? क्योंकि उनके हाथ में जो बुक है वो ऑक्सफोर्ड की हिंदी डिक्शनरी है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज लर्निंग बुक। तो इस सीन में कैट कैमरा की तरफ देख रही थी, लेकिन आप कैमरा के स्क्रीन में देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि कैट एक्चुअली में देख रही थी। आई नो ये काफी घटिया सा डिटेल था, लेकिन बता दिया तो बता दिया। तो इस सीन में भाई ग्लासेस और सोल्डरिंग आयरन से ये रेडियो ठीक कर रहे होते हैं क्योंकि ही इज सेकंड टोनी स्टार्क।
डिटेल नंबर 10। तो इस सीन में टाइगर जोया की पेंटिंग बनाता है। अगर आपको टाइगर वन याद है तब वहाँ पर हमारे सलमान भाई एक पेंटर थे, अगर आपको याद है, तो इसलिए टाइगर को इतनी अच्छी पेंटिंग आती है। एंड गाइस, अगर आपको वेडनेसडे याद है जहाँ पर टाइलर और वेंसडे प्रोजेक्टर में कुछ देख रहे होते हैं, तो उन्होंने वो सीन कॉपी किया है टाइगर जिंदा है मूवी के इस सीन से। जोक्स अपार्ट, डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो कि टाइगर ने एक डार्क ग्रीन कलर का एक ड्रेस पहना है। वैसे ऐसे कलर का शायद सेम ड्रेस कबीर भी पहनता था, जो मैंने वॉर मूवी के डिटेल वीडियो में बताया था। एंड ऐसा सेम ड्रेस पठान ने भी पहना था एंडिंग में, डार्क ग्रीन कलर का। एंड डार्क ग्रीन कलर इज आवर इंडियन आर्मी कलर, जो कि ये फोरशैडो कर रहा है कि ये तीनों ही हमारे इंडियन आर्मी के ट्रू सोल्जर्स हैं। डिटेल नंबर 12। तो इस सीन में सुनो टाइगर क्या कहता है। आईपी एड्रेस के लास्ट दो डिजिट हमेशा कंट्री के कोड होते हैं। आईपी एड्रेस के आखिरी दो डिजिट कंट्री कोड होता है। तो जब मैंने चेक किया तो आखिरी दो डिजिट 91 था। और अगर आपको याद है 91 हमारे इंडिया कंट्री का कोड है, इसलिए तो आपके मोबाइल नंबर के आगे 91 आता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी कि टाइगर वॉज राइट। डिटेल नंबर 13। तो इस सीन में टाइगर कहता है कि वो करण को जानता है। अजीब है ना, वो कैसे जानता है। तो इस सीन में टाइगर के स्क्रीन में आप करण के स्टेटस को नोटिस कर सकते हो। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, इस कैरेक्टर को प्ले किया है अनंत विधात ने, और ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो उनका रियल ही है। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि करण 2010 बैच से है और ये 2017 है, यानी कि उसे रॉ में 7 साल हो गए काम करते हुए, मतलब वो बहुत पुराना है। तो इसलिए तो शिनॉय सर को उसके ऊपर पूरा भरोसा था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में जोया कहती है, जूनियर हमें तुम्हारी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। वेल, ये बात उसको कैसे पता। टाइगर ने तो इस बात को अपने सीक्रेट जगह पे कहा था शिनॉय सर के सामने, क्योंकि जोया एक जासूस है और जासूस से कुछ नहीं छुपता। डिटेल नंबर 15। तो इस सीन में टाइगर कहते हैं कि ये हमारे इंडियन आर्मी का बेस्ट स्नाइपर है। तो जब आजाद स्नाइपिंग कर रहा था तब आप नोटिस करना कि उसने हेडशॉट मारा था। एंड गाइस, चलते हुए कार में हेडशॉट मारना बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। सिर्फ पबजी प्लेयर्स को पता है कि रनिंग कार में हेडशॉट मारना कितना हार्ड है। आई एम ऑल्सो ए पबजी प्लेयर, सो आई टेल यू। डिटेल नंबर 16। तो टाइगर के टीम में जितने भी एजेंट्स थे, वेल, यहाँ पर लैपटॉप के मॉनिटर में जो भी फोटो दिखाया जाता था एजेंट के बारे में, वही घटना हमें दिखाया जाता था। डिटेल नंबर 17। तो ये जो ऑयल ट्रक्स थे, वहाँ पर आप ऑयल की कैपेसिटी देख सकते हो, जो है 3600 लीटर्स। अब इमेजिन करो कि इतने का पेट्रोल का प्राइस कितना होगा। वेल, एक लीटर का प्राइस होता है लगभग 100 रुपए, जो हमारे आसाम का रेट है। तो 3600 का 360,000, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में जब टाइगर पवन से बात कर रहा था तब तौबान उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस सीन को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो जब तौबान ने उसे पकड़ा था तब आप नोटिस कर सकते हो कि टाइगर ने एक्चुअली में नंबर को चेंज कर दिया था, नंबर बदल दिया। डिटेल नंबर 19। तो इस सीन में जब ये बच्चा अपने आप को उड़ाने वाला होता है, जब ये बच्चा अपने जैकेट के जिप को ओपन करता है, तब आप यहाँ पर टाइमर को नोटिस कर सकते हो जो 2 से 1 हो गया, यानि कि लगभग 1 मिनट 59 सेकंड था, यानि कि 2 मिनट बाद ये बच्चा अपने आप ब्लास्ट हो जाता, लेकिन टाइगर ने जैसे तैसे उसे बचाया। डिटेल नंबर 20। तो इस सीन में टाइगर एक कपड़े की मदद से फाइट करते हैं। वेल, कपड़े से फाइट करना, इस टेक्निक को हमने पठान मूवी में भी देखा है, जहाँ पर टाइगर अपने मफलर की मदद से फाइट करते हैं। एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ माय लाइफ। डिटेल नंबर 21। तो इस सीन में टाइगर के पास एक गन होती है, लेकिन इस सीन में उसके पास 2 गन आ जाती है। दूसरा वाला जो गन था वहाँ पर साइलेंसर लगा हुआ था। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जोया का गन था जिसको टाइगर यहाँ पर यूज करता है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि किसी चुमतिया के मिस्टेक वीडियो में मैंने सुना था कि यहाँ पर टाइगर के पास 2 गन्स आ जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये 2 गन्स कहाँ से आया। डिटेल नंबर 22। तो इस सीन में आप शिनॉय सर के रैंक को नोटिस कर सकते हो। यस, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ, मतलब बहुत बड़े आदमी है, ठीक है। तो इस सीन में आप मेरे नाम को नोटिस कर सकते हो, जो है देबास, यानी कि देबास कॉलोनी। तो इस सीन में जब टाइगर और उसके एजेंट्स हॉस्पिटल में एंट्री कर रहे थे तब आप टाइगर के ड्रेस में इस लोगो को नोटिस कर सकते हो। वेल, ये जो लोगो है ना, ये ISK ऑयल रिफाइनरी का लोगो है। तो इस सीन में जब जोया मैप ढूंढ रही थी तब वो इस मैप को सिलेक्ट करती है, क्योंकि ये मैप ऑफिशियल सिटी हॉस्पिटल का था। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने इस लाइन को कभी भी पढ़ा होगा। डिटेल नंबर 25। तो इस सीन में जब अबूसमान जोया के कान में देख रहा होता है तब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो 4 मिनट्स। तो जब मैंने थोड़ा नोटिस किया, जोया ने जब एक्शन लिया था वहाँ से लेके यहाँ तक मूवी में 4 मिनट ही पार हुआ था, जो कि काफी सही बात है। डिटेल नंबर 26। तो इस सीन में आप इस हॉस्पिटल के एरिया को नोटिस कर सकते हो, जो है 38,350 स्क्वायर मीटर, भाई, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। डिटेल नंबर 27। जब ये नर्स इसको इंजेक्शन देती है तब हमें पता नहीं चलता कि इस इंजेक्शन ने असर किया है या नहीं, लेकिन जब इसको इंजेक्शन दिया गया था तब आप नोटिस करना कि उसके आई का जो गड्ढा था वो बड़ा हो गया था, यानी कि इंजेक्शन ने असर किया था। दैट टाइम ही वाज इन सस्ता नशा, पर बेचारे ने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया। तो इस सीन में अबूसमान टाइगर और जोया को मरने के लिए एक गैस छोड़ देता है। तो यहाँ पर आप उस गैस के नेम को नोटिस कर सकते हो, जो है हाईली टॉक्सिक केमिकल गैस। हाईली टॉक्सिक केमिकल गैस अभी हो सकता है ब्रोमोमीथेन।
और शायद एंडिंग में अब उस्मान को इसी गैस से बेहोश किया गया था। डिटेल नंबर 29। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि ये जो गन है जो टाइगर क्लाइमेक्स में चलाता है ये कौन सा है। तो देखो ये और कुछ नहीं बल्कि M249 ही है। बस M249 के नीचे का जो बड़ा एक्सटेंडेड मैग होता है वो यहाँ पर नहीं है, बस एक लॉन्ग बुलेट स्ट्रिप होती है। और M249 तो आपको पता ही है, इसको AK-47 या M4 की तरह 40 बुलेट के बाद लोड नहीं करना पड़ता। इट्स ऑलरेडी लोडेड। 100-150 गोलियां होती है, बस चलाते जाओ और तबाही मचाते जाओ। डिटेल नंबर 30। तो अगर आपको पठान का ये सीन याद है जहाँ पर टाइगर की धांसू एंट्री होती है, वहाँ पर टाइगर की इस आइकॉनिक मफलर को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया था। वेल, अगर आपको याद है पठान मूवी के रिलीज होने से पहले टाइगर 3 का एक पोस्टर आया था जहाँ पर इस मफलर को काफी हाईलाइट करके दिखाया गया था। तो यू नो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिससे कि पठान के जितने भी व्यूअर्स है, मतलब जिन्होंने पठान मूवी देखा है, वो टाइगर 3 को भी देखने जाए। बाकी का तो पता नहीं लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। तो ये एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है अपनी मूवी को प्रमोट करने का। डिटेल नंबर 31। ऑलराइट, तो पठान मूवी के रिलीज होने से पहले इसका जो टीजर ट्रेलर आया था वहाँ पर हमने एक थ्योरी डिस्कस किया था। वो ये था कि जॉन पहले आर्मी सोल्जर था और फिर वो गुंडा बना, और ये थ्योरी सच भी होती है। लेकिन एक और थ्योरी है कि इस सीन में जब शिनॉय सर टाइगर के पास जाते हैं कि हमें तुम्हें इस मिशन में चाहिए, तब टाइगर उन्हें एक पेनड्राइव देता है और कहता है कि यहाँ पर बेस्ट से भी बेस्ट एजेंट्स के प्रोफाइल है जो आपके इस मिशन को कर सकता है। अब ये हो सकता है कि इस पेनड्राइव में पठान, जिम और कबीर का भी प्रोफाइल था जो कि हमारे इंडिया की रॉ की बेस्ट एजेंट्स हैं। और पठान और टाइगर यहाँ पर जैसे बातचीत कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि इन दोनों ने एक ही साथ में ट्रेनिंग लिया होगा, क्योंकि ऐसी बातचीत क्लासमेट के जिगरी दोस्त में ही होती है। गजब बेइज्जती है। एंड इस सीन में जब टाइगर ब्लास्ट करते हैं तब ये दो बाइक हवा में उड़ जाते हैं, और आप नोटिस करना कि ये बाइक आगे कैमरा से टकराई थी और कैमरा का स्क्रीन थोड़ा हिल गया था। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा। नाउ द एंडिंग पार्ट। टाइगर का ओरिजिनल नेम क्या है? टाइगर तो उसके रॉ का कोड नेम है। तो इस सीन में आप टाइगर के ओरिजिनल नेम को नोटिस कर सकते हो जो है अविनाश सिंह राठौड़। एंड यहाँ पर टाइगर का जो DOB है वो फेक है, यहाँ पर 29 दिसंबर दिखाया गया है, बट इन रियलिटी 27 दिसंबर और 1968 नहीं 1965, दैट इज द ओरिजिनल बर्थ डेट ऑफ सलमान भाई। एंड कंप्यूटर के स्क्रीन में आप ग्रीस, लंदन और न्यूयॉर्क, इन जगह को नोटिस कर सकते हो, और ये वही जगह है जो हमें टाइगर 1 में देखने को मिला था, यानी कि एक था टाइगर में। और मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, अगर इसमें पॉजिटिव रिस्पांस आया तो, 100K के ऊपर व्यूज आया तो 100K व्यूज कंप्लीट करा दो मेरी जान। और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड मेरी जान।